नहीं बल्कि पक्की गारंटी है। सरकार बनने के बाद सभी गारंटियों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रतिदिन माहौल बनता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता के लिए गारंटी कार्ड दिए हैं, इनमें एक से बढ़कर एक गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मनोहर लाल 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अचानक से हटा दिए गए क्योंकि भाजपा आलाकमान को यह पता लग गया था कि उन्होंने हरियाणा को चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहचान किसान, जवान और पहलवान है। मनोहर लाल ने किसानों को आतंकवादी बताया गया था। कुछ दिन पहले उनकी सांसद कंगना रनौत दोबारा से किसानों के 3 काले कानून वापस लाने वाली बात कर रही थीं। इनको खत्म करने के लिए 750 किसानों ने शहादत दी। विधायक रावदान सिंह ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा को जब भी इनकी ज़रूरत महसूस होती है तुरंत प्रभाव से उसको वो पूरा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने 5 अक्टूबर को कांग्रेस के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाले 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे और इन चुनाव के लिए परमाननीय अशोक जी आपको यहां से मैं समझता हूं जब जब आपने चुनाव लड़ा है हमेशा आपके बीच आके आपसे अपील भी करते रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा से जब भी कभी कोई जरूरत होती है उनके सामने जाके हम निवेदन करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से और प्रभावी तरीके से उसको पूरा करते हैं। इस उम्मीदवार के लिए तो आया हूँ पर अपने दोस्त रावदान सिंह जी के लिए खास तौर से ये कहने आया हूँ कि मैं पिछले 7-8 दिन से राजस्थान के कोने कोने में जा रहा हूँ और हरियाणा में पिछले 5 दिनों से मैं लगातार चारों तरफ हो गया। भाई ने 7 चुनाव कहा लेकिन मैं 9 चुनाव जीता हूँ लगातार और राज्यसभा में भी मुझे दूसरी बार रहने का मौका मिला है। फैसले किए कांग्रेस ने, गारंटी कार्ड दिए हैं, एक से बढ़ के एक गारंटी है। देश के अंदर एक इतिहास बन रहा है कि हरियाणा के अंदर जो गारंटी दी गई है वो भी विशाल है। आप देखेंगे कुछ गारंटी जो राजस्थान में हमने प्रयोग किए थे और प्रयोग पर गुड़गांव से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन